नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में फुटबॉल स्टेडियम के नजदीक बम विस्फोट, 29 लोगों की मौत, 166 से ज्यादा जख्मी। किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। इस मौके की चपेट में आए चीन के कई शहर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई जगहों पर प्रदूषण में खतरनाक स्तर तक का इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में शामिल नहीं होना चाहते हैं रूडी ग्यूलियानी, विदेश मंत्री पद के लिए अपना नाम लिया वापस, ट्रंप ने चुना था रूडी का नाम। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर हिस्से में आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या 56 पहुंची, 177 से ज्यादा जख्मी। राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने लोगों से की सतर्क रहने की और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील। आतंकी संगठन बोको हरम ने ली हमले की जिम्मेदारी। और सीरिया के पलमायरा शहर में इस्लामिक स्टेट के आतंकी दोबारा हुए दाखिल, पलमायरा के उत्तर पश्चिमी इलाके में कब्जा जमाया, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने की पुष्टि। अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए डीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।